मनोविज्ञान के आधार पर हमारे दिमाग के सामान्यतः दो ही भाग हैं। पहला कॉन्शियस माइंड या चेतन मन या सचेत मन, तथा दूसरा सब कॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन या अचेत मन। आज हम अपने इस एपिसोड में अपने दिमाग के इन्हीं दो भागों के ऊपर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुधीर और आप देख रहे हैं सूट टॉक्स। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के हर एक सेकंड में आपके लिए ऐसी ऐसी खास बातें मैं बताने जा रहा हूँ जो आपके लाइफ में आपको उस उच्च शिखर तक ले जाने में मददगार साबित होंगी जिस ऊंचाई को हर एक मनुष्य पाने की इच्छा रखता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों और परिजनों के पास भी शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी को जान पाएं। तो चलिए, आपका समय कम लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे दिमाग के दोनों भाग यानी कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, ये दोनों मिलकर हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाते हैं। हम अपनी लाइफ में जो भी कुछ कर रहे होते हैं, जो हमें पता है वो या जो हमें नहीं पता है वो भी, मीन्स हम जागते हुए कोई कार्य करें या सोए हुए हों, हम आज सब कुछ सोच समझकर कोई कार्य करें या बचपन में नासमझी में कोई कार्य किए हों, हमारे जन्म से मरण तक के सारे कृत्य हमारे दिमाग के इन्हीं दो हिस्सों यानी चेतन मन और अवचेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं। जो कार्य हम सोच समझ कर करते हैं उनका कंट्रोलिंग हमारा कॉन्शियस माइंड करता है, तथा जो कार्य हम आदत यानी हैबिट के आधार पर करते हैं उसका कंट्रोलिंग हमारा सब कॉन्शियस माइंड करता है। दोस्तों, अगर दिमाग के इन दोनों हिस्सों की तुलना करें तो कॉन्शियस माइंड की अपेक्षा सब कॉन्शियस माइंड बहुत ही खास होता है, क्योंकि हमारे कॉन्शियस माइंड की अपेक्षा सब कॉन्शियस माइंड 30,000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है, तथा हमारे लाइफ के लगभग 90% डिसीजन हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही लेता है और मात्र 10% डिसीजन का कंट्रोलिंग कॉन्शियस माइंड के पास होता है। कहने का मतलब हमारे दिमाग की असल पावर हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास ही होती है, परंतु फिर भी हमारे दैनिक जीवन यानी आदत से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं उन्हें सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड के एक्सपीरियंस के आधार पर ही ग्रहण करता है। मेरा मतलब, कोई भी बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक कॉन्शियस माइंड के रास्ते होकर ही जाती है। हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड के गेट कीपर की तरह कार्य करते हैं। अब अगर बात करें शरीर के उन ऑपरेशंस की जो हमारे नियंत्रण में नहीं होते, लाइक दिल का निश्चित और नियमित रूप से एवरेज प्रति मिनट 72 बार धड़कना, प्रति मिनट 16 से 20 बार सांस लेना, हमारे बॉडी टेम्परेचर का औसतन 37 डिग्री होना, रक्त वाहिकाओं में खून का एक निश्चित सर्कुलेशन का क्रम और निर्धारित समय, हमारे पूरे शरीर में प्रति सेकंड बिलियंस ऑपरेशंस, इन सभी बातों का कंट्रोलिंग हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही करता है। इस तरह सबकॉन्शियस माइंड को हमारे दिमाग का पावर हाउस कहना सर्वथा उचित ही होगा। वे सभी कार्य जो हम एक्सपीरियंस के आधार पर करते हैं, जैसे खाना शुरू करते वक्त हम जिस हाथ से खाना खाते हैं उसी हाथ का हर बार आगे बढ़ाना, जब हम जूता पहनते हैं तो उसी पैर में पहले जूता पहनना जिसमें हम हमेशा पहले पहना करते हैं, और भी इसी तरह के जितने भी आदत से संबंधित कार्य हैं, इन सभी का कंट्रोलिंग हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही करता है। अगर हम कोई अन्य कार्य करते हुए भी ये कार्य करें तो हम पाएंगे कि सभी क्रियाएं हमेशा सही सही और सीक्वेंस में होंगी, इनमें किसी भी तरह का डिसऑर्डर उत्पन्न नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम अपनी लाइफ से रिलेटेड अच्छी और सही बातों को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक किसी विधि पहुँचा दें तो दुनिया की कोई ताकत उसे पूरा करने से नहीं रोक सकती। कोई बात अच्छी है या बुरी, इसका फैसला हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। सब कॉन्शियस माइंड अच्छाई या बुराई में फ़र्क नहीं कर सकता। मतलब अगर हम किसी अच्छी बातों को बार बार सोचते हैं और करते हैं तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड उसे ग्रहण कर लेता है और वो उसे रियलिटी में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। और अगर हम कोई बुरी बात को बार बार सोचते या करते हैं तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड उसी पर फोकस करने लगता है और हमारी लाइफ बुरी होने लगती है।
फॉर एग्जाम्पल, जो लोग अच्छे वातावरण में अच्छे लोगों के साथ रहते हैं उनकी लाइफ अच्छी होती जाती है, और इसके विपरीत जो लोग बुरे वातावरण में बुरे लोगों के साथ रहते हैं उनके मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं और उनकी लाइफ और बुरी होती जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को बार बार कहता है उसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड सही मान लेता है। इसलिए हमें चाहिए होता है कि हम अपने मन में अच्छे अच्छे विचार लाएं, अच्छे कार्य करें, अच्छे लोगों के साथ रहें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, बुराई बुरी सोच बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए तथा मन में निगेटिव विचार नहीं लाना चाहिए। अगर बात करें सबकॉन्शियस माइंड के पावर की तो यह असीमित और अनंत होती है। यह ब्रह्मांड से ऊर्जा प्राप्त करती है। यह दुनिया में किसी भी बात को पूरा करने की क्षमता रखती है। अगर कोई व्यक्ति अपने इस भाग तक सिर्फ उचित और नैतिक तथा ग्रोइंग विचारों को भेजने का टेक्निक सीख ले तो उसे लाइफ में सब कुछ, मैंने कहा सब कुछ, एवरीथिंग अचीव कर सकते हैं। फिर उसके लिए दुनिया में कोई भी बात नामुमकिन नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है, तो चलिए आपको उस सबसे खास टेक्निक के बारे में बताते हैं जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को हैक कर सकते हैं। उस खास टेक्निक का नाम है अफर्मेशन, मतलब दृढ़ निश्चय या विश्वास या दृढ़ संकल्प। माइंड को हैक करने के और भी कई टेक्निक हैं, बट मनोविज्ञान शास्त्री अफर्मेशन को ही सबसे उचित और अच्छा तरीका मानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अबे क्या बकवास कर रहा है यार, मैंने तो लाइफ में कई दृढ़ निश्चय किए हैं परंतु वो आदत तो बन नहीं पाई। तो दोस्त आपको बताना चाहूँगा, कॉन्शियस माइंड कोई छोटा मोटा गेटकीपर थोड़ी ना है जो किसी भी बात को यूं ही सबकॉन्शियस माइंड तक जाने देगा। कॉन्शियस माइंड उसी बात को सबकॉन्शियस माइंड तक जाने देता है जो कॉन्शियस माइंड को उचित लगती है और बार बार दृढ़ निश्चय संकल्प के साथ दोहराई जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप खुद को बोलकर कहो कि पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो बहुत आसान है, ये तो बस मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं एग्ज़ाम में टॉप करता हूँ। इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें खुद से शेयर कीजिए, खुद को कहिए। कहिए का मतलब सिर्फ कहिए नहीं, इसे संकल्पित होकर दृढ़ता से कहिए, अंदर से फील कीजिए। और एक बार नहीं, जब कभी आप अकेले हों, आपका मन शांत हो, इसे बार बार फीलिंग्स के साथ दिमाग को फोकस करके दोहराइए। कुछ समय और दिन बीतने के पश्चात आप पाओगे कि पढ़ाई में आपका मन सच में लगने लगा है, ये आपके लिए बहुत आसान हो गया है तथा आप अपने क्लास में भी टॉप करने लगे हो। इसी तरह लाइफ में आप जो कुछ भी अचीव करना चाहते हो उसे अंदर से फील करके बार बार दोहराओ और खुद को कहो, कॉन्शियस माइंड को बार बार रिमाइंडर दो कि हाँ मुझे ये चाहिए। तो एक समय ऐसा आएगा जब इस बात को कॉन्शियस माइंड आपके सब कॉन्शियस माइंड तक भेज देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके मन में है कि आपको एक अमीर आदमी बनना है, तो आप फील करो कि आप अमीर आदमी बन गए हो, आपके पास असीमित पैसे और ऐशो आराम के सामान उपलब्ध हैं। अगर आप ऐसा बार बार सोचोगे ना बिल्कुल अंदर से फील करके, तो कॉन्शियस माइंड इस इन्फॉर्मेशन को सबकॉन्शियस माइंड के पास भेज देगा। और एक बार ऐसा हो गया तो उसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स से उन तथ्यों को आपके लिए इकट्ठा करना शुरू कर देगा जो आपको अमीर बनाने के लिए ज़रूरी है। और आपको अमीर बनाने के लिए पैसा कमाने के हजारों रास्ते आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको दिखाने लगेगा और एक न एक दिन आपको वो अमीर बना के छोड़ेगा। आज के एपिसोड में बस इतना है। आशा करता हूँ आपको मनुष्य के दिमाग से संबंधित यह जानकारी पसंद आई होगी और आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल अभी बिल्कुल नया है, अतः आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। अगर इस वीडियो के लिए आपका कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।